आज की मोटिवेशनल स्टोरी है हार गया लेकिन खुद से जीत गया। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस को पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया, फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। तो दोस्तों, इससे हमें क्या समझ मिलती है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की जो है गलती करते हैं। हमारी लाइफ में जो है कि कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और रोज 10 घंटे की स्टडी करते हैं और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको जो है कि भले ही 5 घंटे मिलते हैं तो हमें 5 घंटे ही जो है कि कम से कम पढ़ना चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर दोस्तों आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।